अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मिले हमारी वीडियो आपको सबसे पहले। रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू होम किचन। जी तो आप से एक सोच रहे होंगे मैं बना क्या रही हूँ, तो आज मैं बना रही हूँ सबका मोस्ट फेवरेट और बाज़ार से जो हम लाके खाते हैं मज़ेदार सा अरबी पराठा। तो आज मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो ये देखें, हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे अरबी पराठे की, बहुत इजीली बन जाएगा। तो आ जाए मेरे साथ किचन में और मिलके बनाते हैं अरबी पराठा। जी तो फ्रेंड्स, अरबी पराठा बनाने के लिए किचन में आ चुकी हूँ। चीज़ें मैंने वेजिटेबल्स कटिंग कर ली हैं और अब मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूँगी, जो मैं कीमा बना रही हूँ चिकन का। तो इसके लिए दो चमचे मैंने डाल लिया ऑयल। अब मैं इसमें तीन चार ये कलियां मैंने लहसुन की ले ली थी, इसको बारीक सा काट लिया, ये डाल देंगे। थोड़ा सा ये ब्राउन सा हो जाए तो फिर हम इसमें कीमा और कुटी हुई और काली मिर्ची और नमक ऐड करेंगे। बस कीमा हम इसी का बनाएंगे, फिर बाकी चीज़ें हम अंडे और कीमे के मिक्सचर में ऐड करेंगे। ये मेरा एक से डेढ़ पाव के करीब चिकन का कीमा है, मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। ये देखिए चिकन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें काली मिर्ची मैंने कूट के रखी है एक चमचा, तो अभी मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ और नमक तकरीबन एक चमचे जितना मैं इसमें ऐड कर दूँगी और कुटी हुई मिर्चें। आप चाहें तो इसको कम स्पाइसेस के साथ भी बना सकते हैं और हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तकरीबन एक चमचा ही मैंने ये कुटी हुई मिर्चें ली हैं। तो अब मैं इन सबको अच्छी तरह से भून लूँगी। और कीमा तो वैसे भी चिकन का जल्दी से ही गल जाता है, आप चाहें तो ये ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पराठे बनाने हैं तो कीमे की आप मिकदार बढ़ा दें। इसी तरह जो वेजिटेबल्स हम डालेंगे वो भी ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो यूज़ करें और अगर पसंद नहीं है तो नहीं डालें। हम तीन अंडों का बैटर बनाएंगे तो इसके लिए इतना कीमा काफ़ी है। अभी अच्छा सब बन जाएगा तो फिर हम इसको ठंडा कर। इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैंने ये काट के रखी थी तीन से चार, तो तकरीबन थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है। ज़रा अच्छी सी खुशबू आएगी, खुशबू तो वैसे ही बहुत मज़ेदार सी आ रही है। अब हम अच्छे से पानी हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, ये कीमा अपने ही पानी में गल जाएगा। बस इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। तो 5 मिनट में फिर हम तैयार करते हैं इसको ठंडा करके अपने मज़ेदार अरबी पराठे। और आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, नॉर्मल जो पराठों का आटा होता है वो। ये देखिए मज़ेदार सी कीमे वाली स्टफिंग तो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर अंडों के साथ इसका बैटर बनाएंगे। तो मैं इसको एक बड़ी प्लेट में निकाल के रख दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अंडों का बैटर बनाने के लिए मैंने ये तीन अंडे ले लिए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये वेजिटेबल्स जो मैंने काट के रखी थी। ये एक शिमला है दरमियाने साइज़ की, एक गाजर है दरमियाने साइज़ की और 2 से 3 हरी प्याज थी। तो मैंने इसके थोड़ी सी प्याज ली है और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ले लिया है। उस सब में इसको अंडे में डाल दूंगी। अभी वो चिकन का जो कीमा है वो हमारा ठंडा हो रहा है, तो जब तक हम ये रेडी कर देते हैं। और ये है एक छोटा टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्चें, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये पराठे और अक्सर हम बाज़ार से लेके खाते हैं तो अच्छा लगता है, हमारे घर भी बहुत ही आते हैं। और एक चमचा डालूंगी मैं काली मिर्च, इसे ही डाल दी। और उसमें मैंने एक चमचे जितना नमक डाला था इसमें डालूंगी मैं ये एक चमचा नमक। अब हम इन सारी चीज़ों को कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। आप चाहें तो इसमें कुटी हुई मिर्च और
हमने इसमें काली मिर्चें ऐड की हैं, हरी मिर्चें ऐड की हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें जब हमारा कीमा ठंडा हो जाएगा वो ऐड करेंगे और बनाएंगे इसके मज़ेदार से अरबी पराठे। चले तो ये देखें, स्टफिंग हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और ये बैटर भी तैयार हो चुका है। जब ही तैयार हो गया था वैसे ये, तो इसमें मैं ये चिकन ऐड कर दूंगी। सारी ऐड कर दूंगी, बड़ी मज़ेदार सी बनी है चिकन, वैसे भी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और चाहें तो आप इसमें, ऑप्शनल है, मोज़रेला चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। ये देखें, ये चिकन हमारी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गई है। अब हम बनाएंगे पराठे। मैंने ऑयल को हल्की आंच पे गरम करने रख दिया, इसको हम डीप फ्राई करेंगे। तो ये पेड़े देखे मैंने रेडी कर लिए हैं। ये इतने साइज़ के पेड़े हैं जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, तो बिल्कुल सादे पेड़े बनाए हैं। अब मैं बेल लूँगी और एक एक करके इसके पॉकेट बना लूँगी। अब हम इसको बेल लेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल पतला नहीं करेंगे। और बेटर हमारा पतला है, कहीं ऐसा ना हो पराठा पतला हम कर देंगे तो फिर वो सही नहीं बनेगा। आप अपने हिसाब से इसका साइज़ बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने बेल लिया है और इसकी थिकनेस बिल्कुल इस तरह की है, एक पतली सी, क्योंकि अभी हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये है कि सही से वो हो जाएगा। अगर हम मोटा रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और फ्राई होने में फिर ये कच्चा रहेगा। अब हम इसमें रखेंगे स्टफिंग जो हमने रेडी की थी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार कोई स्टफिंग बनी हुई है। और इसको पॉकेट बना लेंगे, बहुत ध्यान से। ये देखें, ये मज़ेदार सा ये पॉकेट बन गया है। और हमारा ऑयल भी गरम है, ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। अब मैं इसको गरम ऑयल में डालूंगी, डीप फ्राई करूंगी। अब हम इसको बहुत आराम से गरम ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम बिल्कुल आपको स्लो रखना है, क्योंकि ये बहुत स्लो आंच पे सिकेगा। पहले हम इसको एक तरफ से गोल्डन कर लेंगे, फिर हम इसकी साइड पलटेंगे। बहुत आराम से इसको सिकने देना है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। अगर मज़ेदार सा अरबी पराठा खाना है तो क्रिस्पी सा। अब फिर हम इसका साइड पलट देंगे। जब तक हमारा ये एक साइड फ्राई हो रहा है, तो इसका जो पहला वाला जो हिस्सा है उसमें मैं एक स्पून की मदद से ऑयल डालती रहूँगी, ताकि ये वाला जो लेयर वाला हिस्सा है ये सिक भी जाए और अंदर से जो इसका बैटर है वो भी मज़ेदार सा बन जाए। अब हम कर देंगे इसको साइड को चेंज। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारा फ्राई हुआ है। अब इसी तरह हम दूसरा साइड गोल्डन कर लेंगे और बाकी के भी मैं इसी तरह बना लूँगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए मज़ेदार सा, कैसा मज़ेदार सा लग रहा है ना। ये इसके ऊपर आप इस तरह ऑयल डालते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी होगा और ये फूल भी जाएगा, अंदर से जो जितना भी है वो सब पक जाएगा, वेजिटेबल्स जो हमने इसमें डाली थी। ये हमारा दोनों साइड से माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ये देखें, अब हम इसको एक प्लेटर में निकाल लेंगे और दूसरा वाला रेडी करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये भी विंटर स्पेशल है, एग पराठा, चिकन एग पराठा और अरबी पराठा, जो आप बोलें वो, बहुत मज़ेदार बना है।
बहुत ही कोई टेस्टी बना है। ये देखें आप, इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। इसको मैं अभी सर्व करेंगे हम चटनी के साथ और केचप के साथ। आप चाहें तो इसको सिर्फ केचप के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही कोई मज़ेदार लग रहा है। कटिंग कर लेना जी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, हमें कमेंट्स में बताइएगा। बहुत से लोग जो हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं हमारी सिंपल सी रेसिपीज़ को, तो आप लोग ट्राई करिएगा, कमेंट्स में बताएं कैसा लगता है आपको ये सब कुछ। और मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। सब अपना ख्याल रखिए और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें।